सुपर गर्ल और सुपर बॉय दोनों हवा में उड़ रहे थे। हवा में उड़ रहे थे वो दोनों, काफी देर से उड़ रहे थे वो लोग। जो सुपर बॉय और सुपर गर्ल उड़ते उड़ते थक गए थे। वो कहीं रुकना चाहते थे, कहीं उतरना चाहते थे, लेकिन वो नीचे देख रहे थे कि नीचे जंगल है, वहाँ पे है जो टाइगर लोग, वहाँ पे है कि वहाँ पे घूम रहे हैं। अगर वो लोग वहाँ उतर जाएंगे तो वो दोनों, वो जो टाइगर, जो सुपर बॉय और सुपर गर्ल पे अटैक कर देगा। उड़ते उड़ते एक गाँव आया, वो लोग एक गांव के ऊपर से उड़ रहे थे। फिर कुछ उन्होंने इंसानों को देखा, इंसानों को देखा, इंसान उनको देख रहे थे, लेकिन सुपर बॉय और सुपर गर्ल दोनों उड़ रहे थे कि यहाँ भी हम लोग को रुकना ठीक नहीं है। और वो दोनों उड़ते ही जा रहे थे। उड़ते उड़ते काफ़ी वो लोग थक गए थे, थक गए थे वो। फिर वो लोग अचानक एक जंगल में आए जहाँ पर कोई नहीं था, कोई जानवर नहीं था, और वो लोग दौड़ने लगे। लेकिन अचानक एक टाइगर आ गया। उसे देखकर सुपर बॉय और सुपर गर्ल दोनों भागने लगे। वो जो टाइगर उनके पीछे 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 भाग रहा था, वो लोग आगे आगे भाग रहे थे। दोनों सुपर बॉय और सुपर गर्ल भागते भागते काफ़ी दूर निकल गए। जब वो लोग ने देखा कि टाइगर भाग गया है, फिर भी वो लोग कुछ दूर और दौड़ के जा रहे थे ताकि टाइगर उन तक ना पहुंच सके। वो लोग बहुत थक चुके थे, फिर भी दौड़ रहे थे। सुपर बॉय और सुपर गर्ल, फिर वो लोग ने देखा अचानक से हाथी का झुंड आ गया। अब हाथी उनके पीछे दौड़ने लगा। तो जो सुपर गर्ल अपने पावर का इस्तेमाल कर कर वो उड़ने लगी और सुपर बॉय को कहने लगी, जो तुम भी उड़ जाओ वरना ये एलिफेंट लोग हम पे अटैक कर देंगे। सुपर बॉय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी उसने भी, सुपर बॉय ने भी उड़ान भर ली। अब दोनों सुपर गर्ल और सुपर बॉय फिर से एक बार उड़ने लग गए। वो उड़ रहे थे, अब वो नीचे देख रहे थे कि हाथी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, उनके पीछे पीछे एलिफेंट भी दौड़ रहे हैं।